Assalamu alaikum to you all. In this video, we will understand the complete concept of a viral disease, that is measles. It is comprises of following subheadings. Number one, etiology. Etiology is the study of causative agent of disease, including structure and replication of virus. Number two, pathogenesis. Number three, clinical manifestation, which is also called clinical picture and signs and symptoms of disease. And last but not the least, control and prevention. Etiology of measles virus. In this video, we will completely understand the etiology of measles virus. Structure. ये spherical, enveloped और single stranded negative RNA virus होता है. Negative RNA virus से क्या मुराद है? यानी RNA strand की जो polarity होती है वो 3' to 5' direction होती है. अब इस virus का diameter 150 to 300 nanometer जो है vary करता है और ये family paramyoxoviridae से belong करता है. वायरियन वायरस के कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं. अब ये वायरियन जो है न्यूक्लियोकैप्सिड एंड एनवलप से मिलकर बना होता है. एनवलप जो है कंप्लीट न्यूक्लियोकैप्सिड को कवर करता है. अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. हेलिकल मीन्स अब जो न्यूक्लियोकैप्सिड का इनर पार्ट है वो कोर कहलाता है. अब इन द कोर न्यूक्लियोकैप्सिड की कोर में अनसेगमेंटेड लीनियर नेगेटिव आरएनए एज अ जीनोम एग्जिस्ट करता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 7 × 6 डेल्टन होता है. अब कैप्सिड के अंदर स्ट्रक्चरल न्यूक्लियो प्रोटीन भी पाए जाते हैं और एंजाइम भी पाए जाते हैं लाइक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो वायरस की रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है. देन एनवलप के पास एनवलप जिससे बना होता है वो लिपोप्रोटीन होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं. और एनवलप के पास जो है एक थर्ड टाइप की भी प्रोटीन होती है जो नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन होती है, जो एनवलप के इनसाइड ट्रांसमेम्ब्रेन से एसोसिएट करती है, जिसे हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. अब इस नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन को हम मैट्रिक्स एंड एम प्रोटीन कहते हैं. अब ये इन्वॉल्व्स वायरल असेंबली में होती है और एज अ ब्रिज एक्ट करती है बिटवीन न्यूक्लियोकैप्सिड एंड ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन. देन एनवलप के पास फर्दर टू स्पाइक्स भी होते हैं. अब स्पाइक्स जो हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, नोक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो एनवलप की सरफेस से निकल रहे होते हैं, सराउंडेड होते हैं. अब ये भी दो टाइप के होते हैं. लार्जर वन इज हीमाग्लुटिनिन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ वायरस टू होस्ट सेल सरफेस, एंड स्मॉलर जो स्पाइक होती है हमारी वो फ्यूजन प्रोटीन होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोलाइसिस यानी आरबीसीज को रप्चर्स करती है और एनवलप को फ्यूज करती है होस्ट सेल के साथ फॉर्मिंग सिंसाइशिया. ठीक है, अब सिंसाइशिया फॉर्मेशन की वजह से वायरस की एंट्री हो जाती है होस्ट के साइटोप्लाज्म में. रेप्लिकेशन, इट प्रोसीड्स इनटू फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर वन, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, जिसमें वायरस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन स्पाइक और म्यूकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा. इस बाइंडिंग को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए हीमाग्लुटिनिन स्पाइक आरबीसीज रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे. देन एनवलप सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा और एनवलप की अनकोटिंग हो जाएगी एंड न्यूक्लियोकैप्सिड साइटोसोल के अंदर रिलीज हो जाएगा. अब पेनिट्रेशन के लिए ये भी लाजमी है कि एफ प्रोटीन क्लीव हो इनटू एफ1 एंड एफ2 टू अक्वायर एक्टिव स्टेटस.
एट पीएच 7, जो कि हमारी बॉडी का न्यूट्रल पीएच है। अगर बाय चांस किसी तरह एफ प्रोटीन की क्लीवेज नहीं होती तो ये एक्टिवेट नहीं होगी और वायरस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं करेगा और वायरल जीनोम की पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड आरएनए रेप्लिकेशन। अब वायरल जीनोम जो कि नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करेगा बाय द हेल्प ऑफ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देन ये एमआरएनए प्रोटीन्स को एनकोड करेगा टू कंट्रोल होस्ट सेल फंक्शन। अब सारे होस्ट सेल का कंट्रोल जो है वायरस के पास है, जो कि अपनी सब्सिक्वेंट जीन को स्विच ऑन करेगा और अपनी तमाम प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा बाय यूजिंग होस्ट राइबोसोम। देन ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म, देन ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ चली जाएंगी जहां पर उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल ग्लाइकोसाइलेशन होगी। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट होती है। लास्ट स्टेप, मैच्योरेशन एंड रिलीज। जैसे ही वायरल प्रोटीन्स और आरएनए सिंथेसाइज हो जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म में जाकर असेंबल हो जाएंगे न्यूक्लियोकैप्सिड बनाने के लिए। फिर ये सेल सरफेस की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और वायरियन इंसर्ट कर जाएगा होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनवलप हासिल करने के लिए। और जैसे ही इसका एनवलप अक्वायर हो गया, ये बर्डिंग के प्रोसीजर के थ्रू होस्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इटियोलॉजी ऑफ मीजल्स वायरस। Thanks a lot for watching it. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon in the incoming videos.